हेलो बच्चों, वेलकम टू अभिषेक एजुकेशन फॉर एक्सलेंस। तो लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो सारणिक से हम लोग शाखंडस तक पहुंचे थे और एक क्वेश्चन भी करवाया था। तो अब हम लोग ना सारणिक से अब प्रतिलोम तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर टू में हम लोग को क्या ज्ञात करना है, देख लो, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, मैं पहले बताता हूँ। यदि आव्यूह ए ये है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बराबर है, ए इनवर्स बराबर है, और ए इनवर्स को क्या बोलते हैं, प्रतिलोम बोलते हैं। याद है आप लोग को, ये देखो, ये जो प्रतिलोम है इसी को ए इनवर्स बोलते हैं, ये मैं बताया। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट किसको बोलते हैं, सहखंडज को बोलते हैं, और सहखंडज का फॉर्मूला क्या होता है, सहखंड का ट्रांसपोज। तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे सहखंडज निकालना है, सहखंडज निकालने के लिए मेरे को सहखंड पता होना चाहिए और उसका ट्रांसपोज निकालूंगा, मतलब यहाँ पे सहखंड का ट्रांसपोज निकालूंगा। और क्या है, सारणिक एक, सारणिक एक तो हम लोग शुरू में निकाल लेते। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में चालू करता हूँ क्वेश्चन नंबर टू के साथ। तो ध्यान से बस देखना, हड़बड़ाना नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करोगे सब बन जाएगा। देखो मैं हल लिखा है ना, अब मेरे को बताना है कि ये जो ए इनवर्स है, एडजॉइंट ए, वो बराबर है इस आव्यू ए के। तो मेरे को ए आव्यू तो पता है ये है, तो ए इनवर्स मेरे को निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए मेरे को पहले सारणिक, उपसारणिक, सहखंड और सहखंडज मालूम होना चाहिए। तो हमारा ऑपरेशन हम चालू करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे सारणिक, ये हम निकालेंगे सारणिक। चलो भाई सारणिक हम लोग निकालते हैं, ठीक है, सारणिक निकालते हैं। और ए इनवर्स का फॉर्मूला होता क्या है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए, और इसको एक बक्से में पैक कर देते हैं, क्योंकि इसी भाई साहब को निकालने के लिए हम लोग कड़ी मेहनत करेंगे। तो सारणिक एक, तो ये क्या है, आव्यू ए है, क्योंकि इसमें बड़ा ब्रैकेट है, तो हम लोग दो डंडी वाले सिंबल से शो कर देंगे, तो ये सारणिक ए कहलाएगा, सारणिक ए। तो ये क्या है, 001, फिर क्या है 010, उसके बाद है 100। अब ये कितने बाई कितने का है, कितने बाई कितने का सारणिक है, ये 3x3 का सारणिक है, 3 कोटि और 3 स्तंभ है, 3 कोटि 3 स्तंभ है। देखो सारणिक ना, अगला अध्याय आएगा उसमें सारणिकों में बहुत अच्छी तरीके से डील करूंगा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ बस। अगर देखो 2x2 का सारणिक था, 2x2 का सारणिक था, तो मैं आप लोगों को कैसे बताया इससे पहले क्वेश्चन में, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 2 का गुणा 1 से माइनस 1 का गुणा 5 से, ऐसे ही करते हैं, तो कितना आया, ये -3 आएगा। इसका गुणा इससे करो सिंपल, और इसका गुणा इससे करो, अब बीच में माइनस का साइन डाल दो। ये 2x2 के सारणिक में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3x3 का है, तो 3x3 का है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे लोग के लिए नया टास्क है कि कैसे करेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूँ, बस पेशेंस रखना, ठीक है। देखो अब मैं 3x3 का सारणिक को बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, और अगला अध्याय में तो पूरा यही करना है, ठीक है। तो देखो 3x3 का सारणिक में सबसे पहले धन का चिन्ह डाल दो, धन का चिन्ह डाल दो, सबसे पहले धन का चिन्ह। अब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे खड़े हैं, तो कहाँ पे खड़े हैं, ये हम लोग यहाँ पे खड़े, तो ये क्या है, 0 है, तो 0 लिख दो, ये 0। अब इसके सारणिक की बात कर रहा हूँ, उपसारणिक का नहीं, है ना। तो ये 0 के सामने वाली पंक्ति और उसके सामने वाले स्तंभ को नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये 0 को ले रहे हैं सारणी में, लेकिन जब मैं उपसारणी की बात करूंगा तो ये 0 को नहीं लूंगा, अभी ले रहे हैं सारणी के केस में लेते हैं, अभी बस बने रहो। तो क्या बचा, 1000, उसको लिख दो सारणी के अंदर, क्या बचा, 101000, ये अब इसका काम हो गया, तो हटा दो, ठीक है। ये देखो पहले धन का चिन्ह डाल दिया था, अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह डाल दो, ऋण का चिन्ह डाल दो, धन ऋण ऐसे चलेंगे, ऋण का चिन्ह डालो। अब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे तो मैं जहां पे हूं वहां पे क्या वैल्यू है, 0, तो 0 लिख दो, उसके सामने वाली पंक्ति और सामने वाला स्तंभ को मत लिखो, जो बचा वो लिख दो, क्या बचा है भाई, 0010 लिख दो, 0010, इसका काम हो गया। पहले प्लस डाला, फिर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस डालो। अब यहाँ से मैं हट के, यहाँ से मैं हट के यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिख दो चुपचाप 1। उसके सामने वाली पंक्ति और सामने वाले स्तंभ को मत लिखो, जो बच्चा लिख दो, क्या है, 0101010, ये हो गया, बस बस करना है।
या तो आप एक पंक्ति को टारगेट कर लो और उस पंक्ति के पूरे अवयव को लिखो। मैं ये वाली पंक्ति को टारगेट किया, उसके सब अवयव को लिखा है, देखो 0 0 1 हो गया। या तो आप एक स्तंभ को टारगेट कर लो और उस स्तंभ के पूरे अवयव यहां पे लिखाना चाहिए, बस ये। और सारणिक में मैं इसको और डिटेल में बात करूंगा। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, ये हो गया 0। अब ये 2/2 का सारणिक आ गया। अब 2/2 के सारणिक में मैं क्या करता हूं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, यहाँ पे इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। तो ध्यान देखो क्या आने वाला है, ध्यान से देखो। ये 0 का 0 किया मैं, ये 0 का 0 किया। अब क्या गया, 1 का गुणा 0 से 0 माइनस 0 का गुणा 0 से 0, फिर है माइनस 0, 0 का गुणा 0 से 0 माइनस 0 का गुणा 1 से 0 प्लस 1, 0 का गुणा 0 से 0 माइनस 1 का गुणा 1 से 1। तो हम लोग को सारणिक की वैल्यू अभी मिलने वाली है ना। ये हो गया, ये तो 0 आ जाएगा, ये 0, ये माइनस, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है 1 और 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 इंटू माइनस 1, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आया, फाइनली आंसर मेरा -1 आया, फाइनली आंसर मेरा -1 आया। किसका, सारणिक का आया, सारणिक का आ गया। तो सारणिक ऐसे निकालते हैं। अब उपसारणिक देखना, थोड़ा सा बड़ा है, एक बार समझ लोगे तो तुरंत तुरंत बनता है। अब उपसारणिक करने वाला हूं, देखो ध्यान से, सारणिक हो गया। तो उपसारणिक के लिए मस्त ये वाला पेन लेता हूं मैं। अब मैं निकालने वाला हूं उपसारणिक, उपसारणिक, उपसारणिक निकाल रहा हूं, उपसारणिक है ना। तो ध्यान से देखते रहना बस। तो हम लोग अभी यहाँ पे हैं, ये तो ये इसको नहीं लेते, जहाँ पे है उसको नहीं लेते, M11 निकाल रहा हूँ। ये A11 होता है, A11, A12, A13, A21, A22 है ना, ये हम लोग पढ़ के आए अभ्यू का निरूपण में। तो ये 11 वाला प्लेस है, यहाँ पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसको नहीं लेंगे, इसके सामने वाले को नहीं लेंगे, और इसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा, उसको लिख देते हैं। देखो क्या बचा है सारणी के अंदर, 1 0 0 0, तो क्या आ जाएगा। अब ये 2/2 का सारणिक हो गया, 1 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 0 होता है। देखो सारणिक में क्या कर रहे थे, जहां पे हम लोग खड़े हैं उसको भी ले रहे थे, उपसारणिक में क्या करते हैं, जहां पे हम हैं उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां से हट गया, अब मैं कहाँ खड़े हो जाऊंगा, M11 हो गया, अब मैं यहाँ पे खड़े हो जाऊंगा। तो जहाँ पे खड़ा हूँ सारणिक में देखो लिया था, ये देखो 0, लेकिन उपसारणिक में नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, और सेम इसके सामने वाला नहीं लेंगे पंक्ति, और इसके सामने वाला स्तंभ को नहीं लेंगे, जो बचा उसको लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, M12 क्या बचा, 0 0 1 0 0 0 1 0, तो 2/2 का मैट्रिक्स आ गया, सॉरी 2/2 का सारणिक आ गया। तो 0 का गुणा 0 0 हो जाएगा, माइनस 0 का गुणा 1 से, तो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ गया 0 माइनस 0 0, क्लियर है क्या। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, आप अपने कॉपी में सेम स्टेप करेंगे, ठीक है, सेम स्टेप करेंगे। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँगा, 1 में खड़ा हूँगा, तो ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, तो मेरे पास क्या बच गया, ये बच गया। देखो ये यही सारणिक बचेगा, यही सारणिक बचेगा, ध्यान से देखना, M13 हो गई, M13 क्या बचा, 0 1 1 0 0 1 1 0, तो क्या है ये, 0 का गुणा 0 से 0, ये 0 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 1 आ जाएगा, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1, 0 माइनस 1 हो जाएगा -1। अब इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, अब डायरेक्ट कर, अभी सबको करना है। देखो सारणिक में एक पंक्ति को किया काम हो गया, लेकिन उपसारणिक में सभी को लेना है, उपसारणिक में सभी को लेना है, तो इसको मैं मिटाता हूँ, उपसारणिक में सभी को लेना है, उपसारणिक में हमको सभी को लेना है, तो बस ध्यान से देखते रहो। तो अभी इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, अब इसका काम करूँगा, यहाँ पे हूँ तो इसको नहीं लूँगा, सामने वाली पंक्ति, सामने वाले स्तंभ को नहीं लूँगा, तो ये क्या होगा, 8 2 1 ना, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, आवयु का निरूपण में बताया हूँ, ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो क्या बचा उसको लिख दो,
0100 0100 0100 तो क्या आएगा 0 × 1 0 1 × 0 0 ये हो गया ये। अब मैं यहां पे खड़ा हूं, एक में खड़ा रहूंगा, अब एक में खड़ा रहूं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 8 2 2। इसमें खड़ा हूं तो इसके सामने वाला और ये नहीं लूंगा, ये और ये नहीं लूंगा, तो 0 1 1 0 बचेगा, 0 1 1 0 बचेगा, तो 0 का मल्टीप्लाई 0 से 1 का 1 के साथ, तो ये आ जाएगा -1। क्लियर है, ये नहीं लिए, ये नहीं लिए, तो क्या बचेगा 0 1 1 0। क्लियर है क्या? हाँ भाई क्लियर है सर। अब देखो ये हो जाएगा 8 2 3 8 2 3 8 2 3, मतलब ये हो गया, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो क्या बचा 0 0 1 0 0 0 1 0, तो ये क्या आ जाएगा 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 1 से ही, तो ये 0 आएगा, अरे भाई 0 आएगा, ये 0 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 माइनस 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0, ये हो जाएगा, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। तो यहाँ पे आप लोग ना उंगली से दबा लिया करना, है ना, अब आप लोग बार बार तो काटोगे नहीं, तो आप लोग उंगली से छुपा लिया करना। अब देखो यहाँ पे आया मैं 1 में, तो ये क्या होगा, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो उंगली से छुपा लेना, ये वाला मैं स्तंभ को नहीं करूँगा और ये वाली पंक्ति को नहीं करूँगा, तो क्या बचा 0 1 1 0, ये बचेगा 0 1 1 0, तो क्या आ गया 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 माइनस 1 × 1 हो जाएगा 1, तो 0 − 1 − 1 आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा तो इसको इसको नहीं लेंगे, ये क्या है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ है, कहाँ पे करूँ, यहीं पे करता हूँ, या इसको मिटा दूँ क्या, अभी नहीं मिटाता, ए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो देखो क्या आने वाला है 0 1 0 0 0 1 0 0, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा ए 3 2 क्या हो जाएगा 0 × 0 0 − 1 × 0 0, ये हो जाएगा 0। अब क्या आने वाला है, ये लास्ट वाला आने वाला है, लास्ट वाला आने वाला है, अब हम लोग लास्ट में खड़े हैं, तो ये क्या हो जाएगा a 3 3 a 3 3, तो ये नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा, 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या आ गया a 3 3, 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0 आ जाएगा, माइनस 0 का मल्टीप्लाई 0 से तो ये 0 आ जाएगा, ये आया, तो ये आया आंसर। अब मैं आंसर में कर देता हूँ, ये 0, ये 0, ये 0 हुआ, ये 0 आया, ये -1 आया, प्यार से लिखो ना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं, ये 0 आया, ये -1 आया, -1 आया, ये 0 आया, ये -1 आया, और कहीं पे करें क्या हम लोग, ये 0 आया और ये 0 आया, ये देखो ये हुआ पूरा, ये आया उपसारणिक आपका, उपसारणिक, तो उपसारणिक आया क्या है, अब इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा दूँ क्या, अभी नहीं मिटाता, और मैं इसमें कुछ ना कुछ लिखते रहूँगा, तो उपसारणिक मेरा क्या आया फाइनली, उपसारणिक मेरा क्या आया, उपसारणिक क्या है 0 0 − 1 0 0 − 1 0 0 − 1 उपसारणिक आ रहा है, तो इसको अभी तो उपसारणिक नहीं लिखते, चलो उपसारणिक अभी नहीं लिखते, क्योंकि अभी हम लोगों को सहखंड भी करना है, सहखंड भी करना है, क्लियर है क्या, तो सहखंड हम लोग चलो करते हैं, सहखंड हम लोग करते हैं, ठीक है, सहखंड हम लोग करते हैं, तो a11 फॉर्मूला इसका मालूम है, -1 की पावर i + j mij, ठीक है, तो a11 क्या होगा, i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, तो घात क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा -1 की घात 2 क्या हो जाएगा, -1 की घात 2 -1 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 × देखो m11 क्या है 0, तो 1 × 0 0, a12 i1 है, j क्या है 2 है, तो क्या हो गया विषम घात हो गया, तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगी -1 × m12 0 है, मतलब ये 0, तो ये हो जाएगा a13 i क्या है 1 और j क्या है 3, 1 + 3 = 4 हो गया, -1 की पावर 4 + 1 आएगा into m13 -1, तो 1 × -1 - 1 आएगा,
क्लियर है, बस ध्यान से बढ़े रहना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बस ध्यान से बस देखते रहो। अब उसके बाद क्या आएगा, a21 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, 2 प्लस 1 3 आ गया, माइनस 1 की पावर विषम, तो माइनस 1 लगेगा। उसके बाद क्या है, m21, देखो m21 कहीं निकालें क्या, m210 है, तो माइनस 1 इंटू 0 ये 0 आ जाएगा। उसके बाद a22 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, मतलब कि 4, मतलब सम है, माइनस 1 की पावर 4 ये 1 हो जाएगा, इंटू m22 कहीं है क्या, m22 यहाँ पे सब में m लिख लेना, यहाँ पे एक गलती से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सब में m लिखना है, m है ना, m, ये कोई नोटिस करा था क्या बताओ कि m लिखना है, ये कोई नोटिस करा था क्या, और जो भी नोटिस करा होगा ना वो बेहतरीन बच्चों, बेहतरीन। तो ये हो जाएगा m21, ये m22, ये हो जाएगा m23, ये हो जाएगा m31, ये हो जाएगा M32 और ये M33 है ना, सब जगह कंजस्टेड हो जाता है, तो होता है कभी कभी है, इसमें ऐसे डरने घबराने वाली बात नहीं है। कहाँ पे आया हूँ मैं A22 मतलब M22 क्या है, M22 है माइनस 1, तो ये माइनस 1 कर दिया, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 होता है। इसके बाद आएगा A23 i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, 2 और 3 5 हो गया, मतलब विषम आ गया पावर, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू m23 का है, m23 है 0, ये 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, एक के नीचे एक कॉपी में लिखते जाओ, एक के नीचे एक कॉपी में लिखते जाओ, तो ये हो गया। अब a23 है तो a31, तो i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा 1, इंटू m31 कहाँ है, ये m31, ये माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 1, मस्त कॉपी में एक के नीचे एक लिखो यार, फीलिंग है यार, ये तो फीलिंग है, ये तो मतलब ऐसे दिन भर क्वेश्चन करूँ ऐसा लगता है ना, बस घबराना नहीं, घबराना नहीं है। a32 i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2, 3 2 5 हो गया, मतलब विषम पावर, माइनस 1 की पावर 5 होगा, माइनस 1 इंटू M32 कहाँ है, ये 0, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। और लास्ट A33 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 3, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 6 होता है प्लस 1, इंटू क्या हो जाएगा M33 0 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0, ये 0 है ना, यहाँ पे भी M आएगा, ये यहाँ पे भी M आएगा। ठीक, तो ये हुआ ओवरऑल, ये हुआ। तो हम लोग उपसारणिक निकाल लिए और उपसारणी के बाद सहखंड निकाल लिए, तो मेरा सहखंड क्या हुआ देखो, बस आ गया सहखंड क्या हुआ ये मैं देख लेता हूँ, सहखंड क्या हो रहा है, ध्यान से बस देखते रहो। सहखंड क्या है, 0 0 माइनस 1, ये 0 0 माइनस 1, 0 0 माइनस 1, उसके बाद क्या है, 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0, फिर क्या है, माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0, ये आ गया सहखंड, ये आ गया भाई सहखंड, ये आ गया सहखंड। अब क्या करेंगे, सहखंडज ज्ञात करेंगे, और सहखंडज क्या होता है, सहखंडज क्या होता है, सहखंड का ट्रांसपोज, और सहखंडज ही क्या कहलाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, थोड़ा सा मिटा दूं क्या इधर का, थोड़ा सा यहाँ पे का मैं मिटा देता हूँ, लो चले यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, चलो अभी एक काम करता हूँ, मिटाए क्यों अभी, यहाँ पे क्या था, -1 0 0, मैं मिटाऊँ क्यों जब इसी में आ जाएगा। तो सहखंडज क्या होता है, सहखंडज क्या होता है, यहाँ पे मिटाना ही पड़ेगा, मुझे मन तो नहीं है पर मिटाना तो पड़ेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना ऐसे पूरा लिख रहा हूँ और मिटा रहा हूँ। चलो तो ध्यान से देखो, हो गया क्वेश्चन, सहखंड आ गया, सहखंडज मतलब एडजॉइंट ए, ये क्या होता है सहखंड का ट्रांसपोज होता है, और सहखंड का ट्रांसपोज मतलब क्या है, एडजॉइंट ए मतलब पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो, 0 0 माइनस 1 पंक्ति में, तो स्तंभ में कर दूंगा 0 0 माइनस 1, यहाँ पे 0 माइनस 1 0 पंक्ति में, स्तंभ कर दो 0 माइनस 1 0,
अब ये पंक्ति में माइनस वन जीरो जीरो, तो इसको स्तंभ में कर दो, माइनस वन जीरो जीरो, ये आ गया एडजॉइंट ए। अब हो गया, अब फॉर्मूला कर देंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला अच्छे पेन से लिखता हूँ, ये वाले पेन से। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ए बटे सारणी के। तो एडजॉइंट ए तो आ गया, ये हो गया एडजॉइंट ए, ये हो गया एडजॉइंट ए, जीरो जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो माइनस वन जीरो जीरो, ये हो गया एडजॉइंट ए बटे क्या है, सारणी के, और सारणी के की वैल्यू क्या है, माइनस वन, ठीक है, ए इनवर्स। अब क्या करेंगे, इस माइनस वन का सब में डिवाइड कर दो, आ गया सिर्फ एक लाइन बस बचा है। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखो, अब क्या करने वाला हूं, इस बटे में है ना, ये क्या है, एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए बटे माइनस वन है, तो ये जो माइनस वन है ना, इस माइनस वन को भाग दूंगा सभी अवयव के साथ। तो देखो फाइनली मेरा आंसर क्या आ रहा है, फाइनली मेरा आंसर क्या आ रहा है, ए इनवर्स। चलो ध्यान से देखो, तो आंसर क्या आ रहा है, जीरो बटा माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो बटा माइनस वन जीरो हो जाएगा, माइनस एक बटा एक एक हो जाएगा, तो ये आया जीरो जीरो एक, जीरो जीरो एक, ठीक है। अब फिर जीरो बटा माइनस वन जीरो हो जाएगा, माइनस एक बटा माइनस वन एक हो जाएगा, जीरो बटा माइनस वन जीरो हो जाएगा, तो ये आया जीरो वन जीरो। अब माइनस एक बटा माइनस एक एक होगा, जीरो बटा माइनस एक जीरो, जीरो बटा माइनस एक जीरो, तो ये आ जाएगा एक जीरो जीरो, ये आ गया ए इनवर्स। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना था, ए इनवर्स बराबर है ए के। तो देख लो भाई, ए इनवर्स की वैल्यू ये आई, ए इनवर्स की वैल्यू ये आई, जीरो जीरो वन, ये ए में है कि नहीं देख लो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, तो आ गया ना ए इनवर्स बराबर ए। और यही चीज सिद्ध करना था, यही चीज क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर बड़ा है, लेकिन नहीं है, मैं पहला क्वेश्चन में लिया दो बाई दो का, दो बाई दो का अव्यू था, तीसरे सॉरी दूसरे क्वेश्चन में मैं तीन बाई तीन का अव्यू लिया। तो आप लोग को ना सारणिक निकालने में, उपसारणिक निकालने में और सहखंड निकालने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन पहली बार है ना, तो पहली बार तो हम लोग तो मतलब चलना भी पहले नहीं सीखते ना, मतलब तो मतलब चलने के लिए भी पहले तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना बचपन में, तो आज देखो कूदते फांदते रहते हैं, दौड़ते हैं, तो जब चलने के लिए भी हम लोग को मेहनत करना पड़ा। तो ये तो बारहवीं का गणित है यार, सबसे ऊंची क्लास में हो आप लोग, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, यकीन मानो हो जाएगा। आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सब चीज़ हो जाएगा। मिशन 2023 आपकी ना सफलता के लिए है, तो आप लोग ना मेहनत करने से पीछे मत भागना, क्योंकि हम मेहनत दिन रात कर रहे हैं, जब एक शिक्षक मेहनत दिन रात कर रहे हैं, तो आप तो एक स्टूडेंट हो ना, तो मेहनत तो बनता है ना बच्चों। तो ठीक है, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, इस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा, एक दो वीडियो और करेंगे, फिर अध्याय को खत्म करेंगे। तब तक बच्चों पढ़ते रहिएगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।